नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। जैसा कि मैं आपके सामने हमेशा एक नया विषय लेकर आता हूं, आज भी आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं। वो है मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें यहां जो विधायक हुआ है, यानी जो विधायक रहते हैं, वह राजकुमार बडोले। वो इस राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री भी रह चुके हैं और गोंदिया जिले के वो पालक मंत्री भी, गार्डियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ऐसे स्थिति में अगर राज्य की, जिसके हाथ में पूरी बागडोर है और जिले की भी बागडोर उसी के हाथ में है, तो आपको जरूर लगेगा कि उनके क्षेत्र का, सारा विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन यह विकास केवल दिखावा है। इस विकास की जब हमने सच्चाई जानने की कोशिश की, तो जो इस राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजकुमार बडोले, जो कि इस गांव, यह जो उनका जो मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का सड़क अर्जुनी जो गांव है, उस गांव से घटे गांव यह मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है। और इस गांव में मजे की बात यह है कि जो एक जिला परिषद की जो सदस्य भी है, वह भी इसी गांव की भाजपा की सदस्य है। और गांव वालों के हाल और बेहाल किस तरीके से हो चुके हैं, यह आप देखेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उनकी क्या स्थिति है आज। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का, यह सड़क अर्जुनी तालुका का घटे गांव करके गांव है। इस गांव में यहां के जो स्थानीय विधायक है, महज यहां से लगभग वो 12 या 13 किलोमीटर दूर पर रहते हैं सड़क अर्जुनी ग्राम में। तो हम अभी यहां के ग्राम वालों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है राजकुमार बडोले, जो कि इस महाराष्ट्र सरकार में वो सामाजिक न्याय विभाग के भी मंत्री रह चुके हैं और ज़िले के पालक मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके माध्यम से इस गांव में क्या क्या योजनाएं आई है और क्या क्या योजनाओं को उन्होंने स्वरूप दिया गया है, अब हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मूलचंद नत्थू वैद्य। अच्छा वैद्य जी, बताइए आपका जो गाँव है, इस गांव में जो राजकुमार बडोले जो यहां के स्थानीय विधायक है, तो उनके माध्यम से इस गांव में क्या क्या योजना आई है, यानी सड़क, नालियां, शिक्षा वगैरह संबंधित ऐसी कोई योजना हो? योजना ना आली। अच्छा। तो पुलिया जी उल्टा था, धंधा पूरा आला है, ये गाड़ी जावना सके फोर व्हीलर। अच्छा, आपके गांव में अभी पुल है एक? हाँ, नाला ये आगे। अच्छा, आगे में नाला है, तो ये नाले से गाड़ियां जाने में, आवाजाही में, यानी बारिश के समय में तकलीफ है? नहीं, अभी भी है। अभी भी तकलीफ है। अच्छा, आप बताइए आपके गांव में नालियां वगैरह बनी है? नहीं। अच्छा, उनके माध्यम से कोई किसानों के लिए यहां योजना या रोजगार मेलावा वगैरह कुछ? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है आपके गांव? काश्तकारों की। अच्छा, किसानों की क्या समस्या है आपके गांव में? बहुत गंभीर है, बताइए। प्रधानमंत्री वाली योजना अभी चालू होने कुछ है। तो आपके गांव में प्रधानमंत्री जो योजना है, जिसमें सम्मान योजना के तहत लोगों को पैसा वगैरह दिया जाने वाला था, वो कुछ चालू नहीं हुई है? नहीं, नहीं। अच्छा, आपके गांव यादी जाने को है? अच्छा, यादी जाने के लिए है आपके गांव में। अच्छा, आपके गांव में लगभग सड़कें वगैरह कैसी है? सड़क का काम हो गया है? नहीं, ये तो सड़क जो है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई है, यानी अभी इसका नाम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किया है। तो ये जो सड़क है, स्थानीय विधायक के माध्यम से कोई सड़कें वगैरह बनी है? नहीं। देखो अच्छी थाम लगा। हाँ, जैसे अपने अपने जैसे लाइन अपना निकला है। हाँ, रोजगार हामी तरफ से जैसा खेत में जाना का है। हाँ, उधर ये रोड निकला है। हाँ, मट्टी डाला है। हाँ, उसमें मुरुम कुछ कुछ नहीं डाला। अच्छा, यानी जो रोजगार हमी के काम। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के काम कितने चले? मेरे साथ पूछो। कितने चले आपके गांव में रोजगार हमी के काम? कितने दिन चले? ऊपर है आपके गांव में कितने लोगों को रोजगार हमी के माध्यम से काम मिला? मेरा बाबू रोजगार हमी के बोलो ना, ऐसा जैसा नहीं माध्यम से, जैसा रोजगार हमी के 10 दिन, 15 दिन, महीना भर कितने दिन काम चले? जैसा रोजगार हमी का जैसा एक तालाब बना, तालाब गोरा का तालाब बोलो, बोडी बोलो, कोई काम कोई खुला नहीं, कोई काम नहीं खुला आपके नहीं खुला में। हाँ, अच्छा। अभी क्या है वो जैसे सरकार ने लगाए झाड़ लगा, वृक्षारोपण का काम। हाँ, हाँ, तो वहाँ 3 महीने जैसे 15 लोग है, 20 लोग है, वो 3 महीने तक रहेंगे। अच्छा, उन्हीं को काम मिला क्या? हाँ। अच्छा, फिर उनके बाद में दूसरों का मिलेगा, तो हाँ। कब मिलेगा? अच्छा, जैसा गड्ढा खोदना है। हाँ, गड्ढे खोदने के बाद में तो अभी आपके गांव में ग्राम पंचायत में जो वृक्ष का जो कार्यक्रम हुआ, वो कितने हजार वृक्ष लगाए गए यहाँ? अभी मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं क्या? आइए ना।
बोलो, आपके गांव में नालियां वगैरह है बराबर बनी? नहीं। आपके गांव में और क्या समस्या है, यानी यहां से स्वास्थ्य सेवा वगैरह जो अस्पताल वगैरह है आपके गांव में? नहीं। तो अस्पताल वगैरह जाने के लिए यानी कोई बीमार हो जाए ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? नदी के पार जाओ। हाँ। डॉक्टर नहीं है। अच्छा, है क्या डॉक्टर? नहीं है वहाँ? नहीं है। अच्छा, और नाली भी बराबर नहीं है, नालियाँ सड़कें वगैरह बराबर नहीं है आपके गांव? बराबर नहीं। अच्छा, रोजगार के साधन क्या है आपके गांव में, यानी कुछ नहीं है? काश्तकारी के जो किसानी के रोजगार होते हैं वही है क्या? मेहनत करते हैं ना हम, तो किसानी वाले रोजगार है, ऐसा दूसरा कोई यानी इंडस्ट्रीज वगैरह आपके गाँव के आजू बाजू? नहीं, वो कुछ नहीं है आपके गाँव के आजू बाजू। लगभग इस गांव में भी, हमने अभी कई लोगों से जो चर्चा की है उसमें इन्होंने बताया कि यहाँ रोजगार वगैरह कहीं भी ये नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में शिक्षा यानी जो स्कूल वगैरह है हाँ। वो कैसा है, यानी टीचर वगैरह टाइम पे आते हैं हाँ? जो मास्टर वगैरह है वो टाइम पे आते हैं क्या आपके गाँव में? अध्यक्ष बताएंगे। हमारे साथ अभी इस गांव के जो माझी तंटा मुक्त के जो अध्यक्ष है वो जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? शिवदयाल दुदराम यावलकर। यावलकर जी, बताइए आपके गांव में रोजगार वगैरह के कोई साधन है? रोजगार वगैरह के साधन कोई है नहीं, अभी वो नर्सरी का कोई काम चालू है। हाँ, वो है बस, बस वही रोजगार का साधन है आपके गाँव में। अच्छा, आपके गाँव में पीने के पानी की कोई समस्या? पीने के पानी की समस्या मेरे मोहल्ले में से। अच्छा, वहाँ अभी करीब करीब 10 साल हो रहे हैं बोरवेल फेल हो गई। हाँ हाँ, उसमें अभी उन्हें बोरवेल का कोई साधन है बोले। अच्छा, लेकिन लाए नहीं है अभी तक के। अच्छा, अभी तक के बोरवेल शुरू नहीं हुई पाई है तो। अच्छा, आपके गांव में पीने का पानी का शुद्ध करने का कोई फिल्टर वगैरह लगा हुआ है? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है आपके गाँव में? अच्छा, आपके गाँव में नालियाँ वगैरह बनी है? नाली नहीं बनी। एक तो तू बता ना, तो मैं बता रहा हूँ फिर। बताइए ना, बताइए ना, लाइव चल रहा है। नाली का बांध काम कुछ हुआ है? अच्छा, और कुछ बाकी बचा है? और अच्छा, बहुत सारा काम बचा काम हुआ है। बचा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया क्या? क्या नाम है आपका? अस्मिता सोनवाने। अच्छा, सोनवाने करके आपका नाम है। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या समस्या है? क्या क्या समस्या? बहुत है, नाली का काम नहीं होता, वो पुलिया का काम है, वो उधर ढोडे उसका काम, बस नहीं, हमारे गांव में कुछ आता नहीं जाता नहीं है, रेलवे से आओ तो पैदल आना पड़ता है। अच्छा, उधर गिरौले से आओ तो वहाँ से पैदल आना पड़ता है, पांडरी से आओ तो वहाँ से। आपके गाँव में यहाँ बस की व्यवस्था नहीं है? बस की नहीं, ऑटो की नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कोई तबियत बिगड़ेगी तो कोई हमारे गांव में कुछ साधन ही नहीं, साधन भी नहीं है आपके गांव में। अच्छा, इस संदर्भ में आपने कभी विधायक वगैरह को बताया है? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताया। आमदार आते हैं ना, वो भी शीला भाई चौहान, उसको 5 करके दिया। हाँ। पंचायत समिति की हाँ। है ना, हाँ, गोंदिया की हाँ, उसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, उसने भी कुछ नहीं किया। तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो विधायक है वो सक्रिय है कि निष्क्रिय लगे? निष्क्रिय, सक्रिय नहीं, कुछ भी नहीं। अभी वो सभा मंडप बन रहा है हमारे महिलाओं के लिए, वो 5 लाख का है, कोई बोलेगा 5 लाख का है करके, अब वो जाओ देखो करके। अच्छा, वहाँ सभा मंडप जो बन रहा है जितनी लागत है उससे कम का है, उससे कम का बन रहा है। अच्छा, 5 लाख का आया। अच्छा, वो भी अच्छे से नहीं बन रहा है, वो 25,000 की जो बेघर आती है ना। हाँ, हाँ। वो भी अच्छे बन जाती है, उसी टाइप का है ना। हाँ, हाँ। उसी टाइप बना दिया है, उसी टाइप का बनाया। लगभग इस गांव में एक महिलाओं के लिए सभा मंडप का भी निर्माण किया गया है, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सभा मंडप 5 लाख रुपए का है जरूर, लेकिन वो कागजों पर है। वो पूरी तरह से अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वो 25,000 का भी जो बेघर वगैरह मिलता है उसकी भी मुकाबले में वो बना नहीं हुआ है। अच्छा, आपके गाँव में वाटर फिल्टर वगैरह लगा? नहीं, कुछ भी नहीं। पीने के पानी की योजना वगैरह नहीं, नहीं कुछ नहीं। अभी वो गए साल से वो अभी ढोला हुआ खोदा हुआ है, उसका भी काम अच्छे से नहीं हुआ। वो अच्छा। आते हैं काम करने वाले, चले जाते हैं, कुछ साधन नहीं हमारे। लगभग इस गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और लगभग इस गांव में यहां के जो विधायक है वो इस गांव को ध्यान भी नहीं देते, ऐसा लोगों का कहना है। लगभग हमने जैसा इन लोगों से चर्चा की तो इसमें हमारे को देखने में आया कि यहाँ के लोगों को काफी समस्या है। आपके गांव में स्वास्थ्य सेवा कैसी है? सेवा अस्पताल वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, विधायक महोदय आपके गांव में कितनी दफा है? बडोले साहब कितनी बार आए, आपने देखा है? एक ही बार नहीं आए। एक भी बार नहीं आए? अच्छा, तो क्या लगता है आपको, वो जो विधायक है वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? निष्क्रिय। निष्क्रिय विधायक है तो इस गांव में भी समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। यह थे घटे गांव के लोग, इन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई है। इसी गांव में, गांव काफी बड़ा है इस गांव में, और हम आपको आगे ले चलते हैं और वहां के लोग और क्या कहते हैं वो दिखाते हैं।
मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का यह घटे गांव है। इस जगह हम लोग और सामने इस गांव का जो दूसरा पार्ट है उस जगह उस चौराहे पर आए हैं। इस जगह कई लोग हमें मिले हैं जो अपनी समस्याओं से यहां के स्थानीय विधायक को अवगत कराना चाहते हैं। ऐसे ही मेरे साथ कुछ साथी लोग जुड़े हैं, मैं उनसे भी इस बारे में चर्चा करूँगा कि इस गाँव में क्या क्या समस्या है। आपके गाँव में जो स्वास्थ्य सेवा है यानी अस्पताल वगैरह वो कैसे हैं? उसमें तो डॉक्टर ही नहीं है, खाली पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, आपके गांव में यहां के जो स्थानीय विधायक है वो कितनी दफा आए हैं, कितने बार आ गए इस उसने तो दत्तक लिया तो उसका एक भी बार मेरे को नहीं दिखे घटे गांव में। अच्छा, घटे गांव में कभी नहीं आए हैं फिर? अच्छा, आपके गांव में सड़क वगैरह है? सड़क है ना, सड़क बनी है। हाँ, तो दिख रहे ना आपको ये नाला कैसा है? तो नाला तो काफी बुरी हालत में, आपके यहाँ का जो नाले की व्यवस्था ये है वो काफी बुरी तरीके से, यानी वो क्षतिग्रस्त है, वो गिर भी सकता है और ज्यादा बारिश आई तो बह भी चले जाएगा। बिल्कुल बराबर है। हाँ, तो और क्या लगता है आपके गांव में क्या क्या समस्या है? मेरे गांव में तो अभी किसी के घर पड़े हैं तो घरकुल का लाभ उनको मिल नहीं रहा है। अच्छा, घरकुल का भी लाभ नहीं मिला आपके गांव में? चलो ना, मैं दिखाता हूँ घर, एक एक गिरे है अभी फिलहाल में। आइए, क्या नाम है आपका? बलिराम सेंडे। सेंडे जी, बताइए आपके गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, यानी रास्ता है या क्या है? समस्या तो है, बहुत समस्या है हमारे गाँव में। अच्छा, लेकिन हमारे गांव में ये पुलिया बनने को होना। अच्छा, ये पुल और ये वाला पुल। हाँ, ये दोनों पुल। हाँ, घटे गांव से साकुली एसटी। अच्छा, बड़ोले ने बंद। अच्छा, आपके गांव में जो एसटी बस वगैरह होती है उसकी आवाजाही नहीं है यहाँ? नहीं है, अभी काफी चालू थी वो बंद हो गई। अच्छा, जो चालू थी वो बंद भी कर दी गई? बंद कर दी। अच्छा, आपके गाँव में नालियां वगैरह बनी है? नालियां तो बनी नहीं, नालियां बनी नहीं है। अच्छा, आप देखो ना ये कैसी है। तो अच्छा, आपके गांव में क्या लगता है कि यहां के जो स्थानीय विधायक है वो सक्रिय लगे आपको कि निष्क्रिय लगे? निष्क्रिय, निष्क्रिय लगे, निष्क्रिय विधायक। हाँ। अच्छा, क्या आप शायद गए बार पानी में बह गए थे, क्या हाँ। था मामला बताइए। मैं साकुली गया था। हाँ, साकुली से आते समय गाँव आ रहा था। अच्छा, तो गिरुले के इधर एक नाला है। अच्छा, वहाँ पर पुलिया है। हाँ, पुलिया माने पुलिया है लेकिन कुछ पुलिया का ये नहीं के बराबर। अच्छा, तो वहाँ से निकला मैं। हाँ, मेरे पास में बाइक थी। हाँ, अच्छा हुआ कि बाइक थी तो। हाँ, मैं आ तो भी आया। अच्छा, ऐसा रहता नहीं किया। हाँ, तो गया रहता काम से। अच्छा, यानी आपको यानी जब साकोली से जब आ रहे थे आप अपने गांव। हाँ, वापस। हाँ, अच्छा, जब अगर पुल पर पानी होता है तो कैसे आते हैं आप लोग? माने जैसा पानी अभी कम है करके, ज्यादा पानी रहा तो कैसे आते हैं? कम से कम 17-18 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर का। अच्छा, कोसम कुंडी ऐसा घूम कर आना है आपको? घूम कर आना है। अच्छा, तो आपने ये जो समस्या है। हाँ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, आपने अभी हमको एक जने ने बताया कि ये गांव दत्तक भी है। हाँ, तो उनको कभी आपने इस समस्या से अवगत नहीं कराया? नहीं, नहीं नहीं, कुछ आए नहीं। अच्छा, वो आते नहीं क्या कभी? कोई 10 बार लेटर दिए सर। 10 बार लेटर देखे भाई, उन्होंने कुछ काम किए नहीं। अच्छा, उन्होंने काम नहीं किया? ये पानी पुरवठा है, 2 साल से पड़ा है, अच्छा अभी तक नहीं हुआ है। यानी इस गांव में पानी की नल योजना वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, चालू किए हैं लेकिन दो साल हुए हैं। हाँ, अभी तक उसकी व्यवस्था पूरी हुई नहीं, पूरी व्यवस्था तरीके से, यानी वो जो योजना है वो। हाँ, अपने पूरी तरीके से कार्यरत नहीं, नहीं है। क्या लगता है आपके गांव के जो विधायक है वो आपको सक्रिय लगे कि निष्क्रिय लगे? निष्क्रिय लगे सर, निष्क्रिय लगे। अच्छा, निष्क्रिय लगने का कारण क्या है? अपना गाँव का जो पुलिया है कितना सालों से वैसा ही पड़ा है, कितना लोगों को परेशानी होती है। हाँ, वो हमको मालूम है। नहीं, हमारे और हमारे गांव तो लोगों को मालूम परेशानी से ही आई है हमारी। हम मालूम है ना, आपने तो देखी ली। हाँ, ये पुलिया और वो जो पुलिया है। हाँ, वो पुलिया दोनों होना चाहिए। अच्छा, अपने गांव के जो रोड हुए 4 साल हुए नहीं तो पूरे टूटे फूटे है। अच्छा, ये जो नालियां जो बनी है वो भी नालियां पूरे टूटे फूटे है, या ऐसे ही काम किए जाते हैं क्या? अच्छा, यानी यहाँ जो काम हुए हैं वो यानी वो भी टूट गए। हाँ, वो भी टूटे, यानी यहाँ गुणवत्ता में नहीं काम किए गए, कुछ भी काम ही हुआ नहीं है बराबर। अच्छा, इस गांव में रोजगार के क्या साधन है आपके गांव में? यानी यहाँ कोई रोजगार की इंडस्ट्रीज वगैरह है कुछ? कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, हर साल में 9 दिन। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के काम कितने दिन चल पाए? अरे यार, 3 दिन भी नहीं चले अभी हमारे गांव। 3 दिन में नहीं चले? 90 दिन का तो गवर्नमेंट रूल देखता वो है। तो 100 दिन का पिछली सरकार ने बोला था 100 दिन रोजगार। 10 दिन तो देना चाहिए, 10 दिन भी एक आदमी को रोजगार नहीं दे रहा है। 10 दिन भी नहीं मिल पाए। यानी जैसा कि इस जगह हम जब गांव की समस्याओं को लेकर जब हम इस गांव वालों से चर्चा कर रहे हैं तो गांव वालों ने काफ़ी समस्या बताई। इस गांव में आने के लिए जो सड़क है, सड़क पर एक पुल है वो काफ़ी जंजर हालत में है, जो पुल कभी भी बह सकता है। साथ ही साथ इस गांव में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सड़कें, नालियाँ और स्वास्थ्य सेवा तो यहाँ नजारत लगी हमें, लेकिन इस गांव में लगभग यहाँ जो रोजगार हमी के जो कुछ काम थे वो भी केवल मात्र 3 दिन चले, ऐसे यहाँ के लोगों ने
ने बताया। बताइए आप, आपकी क्या समस्या है गांव में? समस्या तुम्हारी दिसली ना जीते। नहीं, ये तो समस्या हमें दिखी है, आप बताइए क्या और है, यानी ये समस्या क्या है? खोपड़िया खोपड़िया ना लामचा गावी। अच्छा, आपके गांव में आवास योजना नहीं मिली? नहीं नहीं, कोई नहीं मिली। अच्छा, कुछ आवास योजना, अच्छा रोजगार वगैरह कुछ मिला आपको? नहीं नहीं। अच्छा, वो जो निराधार वगैरह के पैसे वगैरह होते हैं? निराधार से मिलते हैं। वो निराधार के मिल जाते हैं आपको? अच्छा, उसके अलावा राशन वगैरह आपको बराबर मिलता है यहाँ? राशन दुकान वगैरह है कुछ? है ना, पर मिलते नहीं बराबर। आपको राशन वगैरह नहीं मिल पाता? अच्छा, लगभग बताइए आपके गांव में स्वास्थ्य सेवा यानी अस्पताल वगैरह है? डॉक्टर तो नहीं है जी। अच्छा, डॉक्टर ही नहीं है आपके गांव में? अरे काबू। हाँ, तो लगभग अभी जैसा हमें इन्होंने बताया कि इस गांव में अस्पताल जरूर है, लेकिन इस गांव में अस्पताल में जो मरीजों का इलाज कराने के लिए जो डॉक्टर रखे जाते हैं वो डॉक्टर ही नदादत है, यानी यहाँ की समस्याएं काफी बहुत गंभीर रूप में बनी है। सर, खाली शो के लिए बनाए जैसा? अच्छा, बना अस्पताल शो है यहाँ के? यही समझो ना। अच्छा, यही समझो, बाकी कुछ नहीं है। 25-30 लाख यहाँ पे खर्च हुई है, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं है। 25-30 लाख रूपए यहाँ पे जनरली यहाँ पे मालूम है क्या? जिला परिषद सदस्य यहाँ की है सिलाभाई चौहान, लेकिन यहाँ का कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है अभी तक, कुछ विकास। अच्छा, नहीं। क्या लगता है? से सर अभी आगे जाऊंगे, 1 किलोमीटर दूर पुलिया है। हाँ। पुलिया की समस्या इतनी है सर, वहाँ से कभी भी थोड़ा सा पानी आ गया। हाँ। पानी चढ़ जाता है। हाँ। पानी चढ़ने के बाद लोग इधर से उधर निकल ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ के जो विधायक है आपको क्या लगता है, सक्रिय लगे वो आपको? निष्क्रिय सर। निष्क्रिय है? आपको क्या लगता है आपके जो विधायक है सक्रिय है? निष्क्रिय। निष्क्रिय है क्या? अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ अभी लोगों से चर्चा की है, उन लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है राजकुमार बडोले, वो निष्क्रिय तौर पर दिखे हैं लोगों को। अब देखना यह है कि इनकी समस्याओं का समाधान वो अभी आगामी चुनावों के बाद करते हैं या अभी चुनाव के पहले करते हैं। जैसा कि दो जगह हमने आपको दिखाया है, अब आपको ले चलते हैं इसी गाँव में जो कि शेड्यूल कास्ट का जो इलाका होता है, वो गाँव के जो बस्ती है, इस गांव में 3 बस्तियां मिलकर एक गांव बसा हुआ है, तो हम आपको भी तीसरी बस्ती ले जाते हैं। तीसरी बस्ती के लोग क्या कहते हैं, हमने जब राजकुमार बडोले जो कि इस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री रह चुके हैं, इनके बारे में जब लोगों की राय पूछी कि वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय, तो देखिए क्या कहते हैं लोग। घटे गांव का यह दूसरा इलाका है जहां हमने अभी जानने का लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि यहां क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवलाल इलमकर। इलमकर जी, आपके गांव में पीने के पानी की कोई समस्या है? नहीं नहीं, पानी की समस्या नहीं है। हाँ, मगर पुलिया की समस्या है। अच्छा, आपके गांव में आने जाने के लिए पुल की व्यवस्था? हाँ, नहीं, पुल की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इस संदर्भ में कभी आप लोग गांव वालों ने जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनसे चर्चा की है? हाँ, बोले हमने उनको। तो क्या बोल रहे थे? हमारे यहाँ गाँव की बाई है ना जिला परिषद सदस्य शीला चौहान। अच्छा, तो उसको भी बोले हमने। हाँ, तो मंजूर हुआ ऐसी बोली उसने। अच्छा, मगर आज तक मंजूर कोई हुआ लेकिन नहीं। आपके अभी हमने जो जितने भी गांवों में जो रोड देख रहे हैं ये सारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बने हुए रोड। हाँ। हैं, तो पुल बने नहीं है अभी तक के? हाँ, नहीं बने, नहीं। अच्छा, इस गांव में स्वास्थ्य सेवा कैसी है? स्वास्थ्य सेवा वो भी अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है, नर्सा नहीं है बराबर वहाँ। अच्छा, आपके गांव में आने अगर कोई बीमार हो जाए? हाँ, उसको कैसे ले जाते तो हैं? हमको बाहर ले जाना पड़ता है अपने जरिए से गाड़ी बना के। अच्छा, तो गांव में गाड़ियां वगैरह हैं? नहीं है, कहाँ से भी बुला लेते हैं। अच्छा, बस वगैरह आती है आपके गांव में? बस नहीं आती, बस पहले आती थी। हाँ। मगर ये पुलिया की समस्या है, फिर सामने ये गिरला रोड पे एक नाला है गिरता है छोटा वाला, तो वहाँ भी पुलिया नहीं है। तो क्या लगता है आपके यहाँ के जो उस वजह से एसटी बंद है अभी 3 साल हो गए? अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ के जो विधायक है वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय विधायक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल रामटेके। रामटेके जी, बताइए आपके गांव में क्या क्या रोजगार के साधन है? रोजगार के साधन तो नहीं है इस गाँव में। अच्छा, जो मनरेगा के काम है महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना के, वो कितने दिन चले आपके गाँव? वो 10-12 दिन चलते है, उसके बाद बंद करते है। अच्छा, यानी आपके गांव में रोजगार नहीं मिलता? नहीं, रोजगार भी नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको यहाँ के विधायक के यानी सक्रिय लगे कि निष्क्रिय लगे? विधायक पूरे निष्क्रिय है, निष्क्रिय विधायक। क्या नाम है आपका? बाबूलाल इलमकर। इलमकर जी, बताइए आपके गांव में नालियाँ वगैरह सड़कें वगैरह है बनी बराबर? बिल्कुल बराबर नहीं है सर, मैं बचपन में
हम पैदल जाते थे यहाँ से। अच्छा, अभी इधर जाओ तुम्हारा गोंगले जाओ तो वहाँ भी 5 किलोमीटर, इधर डवा जाओ वहाँ भी 5 किलोमीटर, इधर गिरोला जाओ वहाँ भी 5 किलोमीटर, कोसमतुंडी जाओ 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। सब लड़के यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं आजू बाजू के गाँव में। तो आपके गाँव में बस वगैरह आती है? बस वगैरह नहीं आती सर, बस वगैरह सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। अच्छा, इस संदर्भ में कभी आपने विधायक से चर्चा की है? विधायक से चर्चा की है, कई बार हमने बस के लिए अप्लीकेशन दी है, फिर भी वो कुछ दिन तक चलाए। अच्छा, और बाद में उनका क्या तो प्रॉब्लम क्या है, लगता है आपको कि मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के जो यहाँ के विधायक है, जो इस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग मंत्री भी रह चुके हैं और पालक मंत्री भी रहे, वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? नहीं, निष्क्रिय है, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया हमारे इधर, अपने इलाके में ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया सर। क्या नाम है आपका? रंजना इलमकर। आपके गाँव में पीने के पानी की समस्या वगैरह है? हाँ है। तो यहाँ पानी की योजना वगैरह बनाई नहीं गई क्या? अभी बनाई है पर चालू होने की है। चालू होने की है। अच्छा, तो फिर आप लोग यानी पीने के पानी का कैसे साधन क्या है आपका? ये बोरवेल है सामने, तो बोरवेल के पानी से यहाँ के लोगों की तबीयत वगैरह खराब होती है कुछ? हाँ होती है। तो यहाँ यानी दूषित पानी पीना पड़ रहा है आप लोगों को? ये हमारे बाजू में कुआ है, वहाँ का भी पानी दूषित है। अच्छा, लगभग आपके यहाँ पानी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। अच्छा, रोजगार के क्या साधन है आपके गाँव में? रोजगार का साधन यानी खेती है। खेती है, खेती के अलावा कोई साधन नहीं है आपके गांव में? अच्छा, इस गांव के जो विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, वो आपको क्या लगता है, सक्रिय लगे कि निष्क्रिय लगे? ये तो निष्क्रिय है। निष्क्रिय लगे आपको? क्या नाम है आपका? रशिका। बताइए, आपके गांव में जो अस्पताल की जो योजना बनाई गई है यहाँ, वो कैसी यानी आपको क्या लगता है, वो फायदेमंद है कि नहीं है? तो उसमें क्या कमियाँ रही गई है? उसमें नर्स नहीं है, कोई दवाई वगैरह देता नहीं है। अच्छा, डॉक्टर वगैरह है नहीं क्या? नहीं नहीं। अच्छा, लगभग आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सक्रिय है कि निष्क्रिय है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय विधायक है। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि जो घटे गांव के जो लोग हैं, यहाँ से मात्र घटे गांव सड़क अर्जुनी से तालुका का जो गांव है वहाँ से ये 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी इस जगह में काफ़ी समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। स्थानीय विधायक ने इस इलाके को बिल्कुल ही नहीं देखा है। अच्छा, क्या लगता है आपने, बड़ोल साहब आपके गाँव में कितनी दफा आए हैं? बहुत बार आते हैं। तो समस्या कभी सुनते हैं आपकी? हाँ सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते? हाँ नहीं, अमल नहीं करते नहीं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, समस्याओं को अवगत गांव वालों ने किया हुआ है, पीने की पानी की, स्वास्थ्य की, सड़कें, नालियाँ और रस्तों के पुल वगैरह की सारी समस्याएं उन्होंने बताई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस इलाके का ध्यान नहीं दिया, ऐसे स्थानीय लोगों का कहना है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।